मेरठ यूपी के सिटीज़ में सबसे पॉपुलर सिटी है, जो अपने मार्केट, कल्चर, बिल्डिंग्स और पुरानी बस्तियों के लिए जाना जाता है। पर इसी मेरठ के कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो फेमस तो हैं, लेकिन अपनी स्पॉकी हॉरिबल इंसिडेंट्स हैं। मेरठ को घर कहा जाता है हॉन्टेड जगहों का। उन्हीं सब नामों में से निकल के आता है जीपी ब्लॉक। ऐसा कहा जाता है ये मेरठ की वो जगह है जिसका नाम सुनने के बाद वहाँ के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे रहना तो छोड़ो, वहाँ के आसपास उस बिल्डिंग के भड़कने पे भी लोगों को डर लगता है। तो क्या है इस मेरठ के जीपी ब्लॉक की आखिर पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। जीपी ब्लॉक को एक पॉपुलर वर्ड दिया गया है, ये हॉन्टेड है एविल स्पिरिट से। पिछले महीने एक औरत को ऊपर बैठे हुए देखा गया, और वहाँ अक्सर एक औरत जो लाल कलर के कपड़े पहन के घूमती रहती है। ऐसा बताया जाता है कि इस जेपी ब्लॉक में बहुत टाइम पहले से ही, अंग्रेजों के टाइम से, यहाँ पे बहुत सारी हॉरिबल इंसिडेंट्स होते चले आए हैं, और आज के टाइम पे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग किसी ना किसी भूतिया चीज़ को देख ही लेते हैं। आज वे कुछ महीने पहले एक शराबी गैंग होती है, कुछ शराबी लोग होते हैं जो उसी मेरठ के जेपी ब्लॉक में शराब पीने के लिए गए होते हैं। वो लोग जैसे ही ऊपर जाते हैं छत के, वो देखते हैं कि एक लाल कलर का कपड़ा पहने हुई औरत अपने हाथ और पैर को उल्टा करके उनकी तरफ आ रही है। इतने में ही वो लोग सारे लोग भागने लगते हैं, और उनमें से एक बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक किया होता है। वो लड़खड़ाकर वहीं पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बाकी जो भी लोग होते हैं वो सब वहाँ से निकल जाते हैं, और उसके अगले दिन ही उस शराबी की जो फैमिली होती है वो उसको ढूंढने लगती है, और पता चलता है कि वो शराबी उसी जीपी ब्लॉक में रात के वक्त शराब पीने गया था और वहीं पे डर के मारे बेहोश हो गया था। कुछ टाइम तक उसका इलाज चलता है, करीब एक हफ्ते तक वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, और आखिर में एक हफ्ते के बाद जब उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था उस रात, तो उस रात का सारा किस्सा इन लोगों को बता देता है। लेकिन वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो ये कह के इस बात को झुठला देते हैं कि ये पिया हुआ था, ये नशे में था, इसलिए इसको सिर्फ इल्यूजन हुआ होगा, इसको एक भ्रम हुआ होगा। जीपी ब्लॉक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का एक अच्छा अड्डा है, क्योंकि ये जब भी वहाँ पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ हॉन्टेड चीज़ें इनको जरूर मिलती है। जेपी ब्लॉक में एक दो हादसे नहीं, ऐसे सैकड़ों हादसे हुए हैं जो इस जगह को इतना ज़्यादा हॉन्टेड और डरावना बताते हैं, जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में दहशत पैदा हो जाती है। जेपी ब्लॉक का कोई ओनर तो है नहीं, इसी वजह से इस जगह को इंडियन डिफेंस फोर्स के हवाले कर दिया गया और उन सब ऑफिसर्स को दे दिया गया। वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं वो इस जगह को यूज करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आर्मी ऑफिसर्स के साथ साथ वहाँ पे जो नॉर्मल इंसान रहते हैं उनका भी जाना बैन हो गया। कहा जाता है कि जब वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो एक केयर टेकर रखे हुए थे नीचे का फ्लोर देखने के लिए, लेकिन वहाँ का जो केयर टेकर था वो कुछ घंटों के लिए फ्लोर को रेंट पे देने लगा, जैसे शराबियों को जो एडिक्टेड रहते हैं नशे के, उन सब को कुछ घंटों के लिए रेंट पे देने लगा, जिसकी वजह से वहाँ का जो केयर टेकर था उसको निकाल दिया गया। और उसके बाद से जेपी ब्लॉक के ठीक सामने एक लोहे का गेट लगा दिया था। 1930 से ये जगह तब से वीरान पड़ी हुई है। 1950 में एक जूनियर ऑफिसर ने इस जगह पे कब्जा कर लिया, तब से उस बिल्डिंग पे उसी का कब्जा हुआ और कोई नहीं गया। लेकिन एक दिन अचानक उस ऑफिसर के गार्ड को मरा पाया गया, जिसका सर बुरी तरीके से कुचला जा चुका था और हाथ की कानी उंगली, दोनों हाथ की कानी उंगली को काट लिया गया था। उसके बाद से उस ऑफिसर ने उस जगह को ही छोड़ दिया, लेकिन कई सारे लोग ये कहते हैं कि उसी गार्ड को आज के टाइम पे भी वहाँ का जो गेट है वहीं पे देखा जाता है, जिसका सर बुरी तरीके से कुचला है और वो एक डेविल स्माइल करता हुआ नजर आता है। ऐसे ही हैदराबाद में रहने वाली एक फैमिली मेरठ आई होती है अपने हॉलीडेज को मनाने के लिए, लेकिन उनका ये हॉलीडेज उनकी पूरी फैमिली को एक सदमे में लेके चला जाता है। उस फैमिली में दो ट्विन्स रहते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का खेलते हुए रोड के पास चला जाता है और लड़के को ऐसा लगता है कि जैसे उसका कोई नाम लेके पुकार रहा हो, और वो बच्चा उस रोड से गायब हो जाता है। जब उसकी छानबीन की जाती है, उस बच्चे को ढूंढा जाता है, तो वो बच्चा उसे जीपी ब्लॉक के पास मिलता है। उसकी फैमिली उसको उठाकर घर ले जाती है, और रात के खाने के वक्त वो बच्चा बोलता है कि उसका पेट पूरा भरा हुआ है, लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद उसको बहुत तेज ठंडी लगने लगती है और उसकी पूरी बॉडी
ब्लू कलर की होने लगती है। जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है वो बच्चा ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसी के बाद उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। वो लड़का हॉस्पिटल से तो आ जाता है, लेकिन अब उसका बिहेव पूरे 60 साल के आदमी की तरह हो जाता है, एक ओल्ड मैन की तरह। वो खांसता है, लाठी के सहारे चलता है और उन्हीं की तरह बातें भी करता है। धीरे धीरे ये बात सारे शहर वालों को मालूम चल जाती है और एक एक करके ऐसे कई सारे हादसे इस जीपी ब्लॉक में होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और आज के टाइम पे भी वहाँ पे किसी को अकेले नहीं जाने दिया जाता है। ये जीपी ब्लॉक हॉन्टेड होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस जगह है। तो ये थी एक सच्ची कहानी मेरठ के जीपी ब्लॉक से रिलेटेड। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी मिस्ट्री एंड हॉरर से भरे हुए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।